हेलो एवरीवन। हर कपल जो भी होता है तो सोचता है कि उसके साथ रहे, वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा, और उसके साथ बातें करे, उसके साथ रहे, बट ऐसा हमेशा हो नहीं पाता है। ज़्यादातर लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। तो उस पर फिर वो क्या होता है कि वो एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं और सोचते हैं कि मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और रिएक्ट करते हैं कि जैसे वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो उस पे चार लाइनें हैं कि सीने में बहती सांसों की तरह ही तो है ये यादें तुम्हारी, सीने में बहती सांसों की तरह ही तो है ये यादें तुम्हारी, वो चंद लम्हे जिनमें थे साथ हम, उन्हें दोहराने में ही कट जाती है रात हमारी। जाने कैसे भूल गई तुम वो सारी बातें, मुझे तो आज भी याद है वो पहली मुलाकात हमारी। और फिर आगे बढ़ता है, बात आगे बढ़ती है, और फिर उसमें से एक तो मूव ऑन कर जाता है, बट एक फिर भी अभी गिव अप नहीं करता है, वो उसमें रहता है, उस जोन में रहता है, और वो सोचता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और वो फिर से साथ में आ जाएं, बट ऐसा होता मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो सोचता है। तो उस पे है कि कैसे दिलाऊं यकीन तुम्हें कि प्यार सच्चा हमारा था, हमें चाहिए बस एक साथ तुम्हारा था, तुमसे इतनी मोहब्बत करके भी तुम्हारे हो ना सके, न जाने खुदा को क्यों मिलना हमारा ना गवारा था। अब क्योंकि एक पर्सन तो मूव ऑन कर चुका है, तो वो दूसरे रिलेशन में जा चुका है, लेकिन ये बंदा अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाता है, और वो उसे देखता है कि वो कैसे उसके साथ खुश है, और कभी वो भी, ये बंदा भी उसके साथ खुश हुआ करता था। तो फिर उस पर चार लाइनें हैं कि काश ये काश काश ना होता, गैरों के हाथों में जो तेरा हाथ ना होता, होते साथ हम रहती तू भी खुश और मैं भी यूं उदास ना होता, काश ये काश काश ना होता। और फिर आगे, अब क्योंकि वो मूव ऑन कर चुकी है और किसी और के साथ खुश है, तो फिर उस पे फिर चार लाइनें हैं, तो सुनिएगा कि देखी जो लकीरें मैंने अपने हाथ की, जाने मुझे क्यों हुआ एहसास कि मुझे जरूरत है तेरे साथ की, पर क्योंकि तुम खुश हो किसी और के साथ तो मिट जाएगी है हसरत भी अब मेरे साथ ही। थैंक यू वेरी मच।